हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे KCI रजिस्ट्रेशंस के बारे में। इसका क्या प्रोसीजर होता है और किन लोगों को अपने डॉग को KCI रजिस्टर्ड करवाना चाहिए और किस लिए करवाना चाहिए, बिकॉज बहुत से डॉग ओनर्स को ये नहीं पता कि KCI रजिस्ट्रेशन क्या होता है और किस काम आता है। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि इसका काफी लंबा प्रोसीजर होता है, तो आइए इसी के बारे में अब बात करते हैं। बट गाइज, उससे पहले आप सभी लोगों को बताना था कि आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि मैं पेंटिंग्स भी बनाता हूँ और डॉग्स की भी पेंटिंग्स बनाता हूँ। तो अगर आप में से कोई डॉग लवर अपनी डॉग की या फिर अपनी कोई पर्सनलाइज पेंटिंग्स बनवाना चाहते हैं मुझसे, जो कि आपके घर तक डिलीवर होगी, तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं पर्सनली। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके ऑर्डर्स दे सकते हैं और प्राइसेस के बारे में ही आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि KCI रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि KCI क्या है। KCI को फुल फॉर्म में कैनल क्लब ऑफ इंडिया, दी कैनल क्लब ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में KCI कहते हैं। और यहाँ पे जितने भी KCI रजिस्टर्ड डॉग ब्रीड्स हैं जो कि इंडिया में है, उनका सारा डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंडियन सिटीजन का सारा डेटा इंडियन गवर्नमेंट के पास मौजूद रहता है, वैसे ही इंडिया में जितने भी KCI रजिस्टर्ड डॉग ब्रीड्स है, उन सभी का डेटा KCI में मौजूद रहता है। जो KCI रजिस्टर्ड पप्स बॉर्न हो रहे हैं, उनके मदर फादर का नाम और उनके भी मदर फादर का नाम, दादा परदादा, इन सभी का नाम, इन सभी का डेटा KCI में मौजूद रहता है पहले से। तो अब हम जानते हैं कि KCI में पपीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम दो जर्मन शेपर्ड्स लेते हैं जिन्होंने मेट किया और उनके पपीज बॉर्न हुए। तो उनके पपीज बॉर्न होने के बाद 60 डेज के अंदर आपको कैनल क्लब ऑफ इंडिया से एक फॉर्म लेना पड़ेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। और जितने भी पपीज है, फॉर एग्जांपल 5 पपीज है, तो आपको पांचों पपीज के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और उसको बैंक ड्राफ्ट के जरिए भेजना पड़ेगा। आपको कॉस्ट की बात बताए तो अराउंड पर पपीज 700 to 800 का कॉस्ट पड़ता है, वो भी माइक्रोचिप के साथ। और आपको पपी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा कैनल क्लब ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। फिर उसके कुछ टाइम बाद आपके घर में एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें पपीज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि उनके मम्मी डैडी कौन है और उनके परदादा दादा कौन है, कहां से किस लाइन से है वो, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि वो प्योर ब्रीड है या नहीं, कौन सी ब्रीड का है, क्या एज है, क्या कलर है, और ये जितनी भी सारी चीजें हैं उस पपी के बारे में, उस लिटर के बारे में, वो सारी KCI में जाके डेटा में जमा हो जाएगी। तो एक और बात जानना आप सभी लोगों के लिए जरूरी है कि क्या हम जो डॉग लेते हैं उन सभी को KCI रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है? क्या वो KCI रजिस्ट्रेशन के बिना प्योर ब्रीड नहीं है, या फिर ऐसे बहुत से सवाल होंगे? तो आपको बता दें कि आप जो डॉग लेते हैं, जो पेट मार्केट से लेते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, KCI रजिस्ट्रेशन पेपर्स, तो ऐसा नहीं है कि वो प्योर ब्रीड नहीं होगा या फिर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। बस KCI रजिस्टर्ड डॉग उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपने डॉग्स को KCI के डॉग शोज में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनमें जो माइक्रोचिप होता है उसकी मदद से सारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है कि उस डॉग ने कितने शोज जीते, कितने चैंपियनशिप्स जीती। तो जरूरी नहीं है सभी के लिए कि KCI रजिस्टर्ड डॉग लेना, लेकिन अगर आप अपने डॉग को KCI के डॉग शो में उतारना चाहते हैं तो उसको KCI रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड KCI रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो और डॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।